वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। यहाँ पे सुबह के टाइम ये केक महिला के आए थे बेकरी से और साथ में ये बिस्किट्स वगैरह। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। केक मैंने नहीं खाया, बाबा ने, भाई ने और बाकी लोगों ने खाया था, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और मैंने अपनी ब्राउन ब्रेड खाई थी। लेकिन ये जस्ट वीडियो के लिए मैंने ऐसे आप लोगों के सामने कट किया और साथ में ये बिस्किट्स पीनट वाले भी थे और जैम वाले भी। तो नाश्ता जो था वो चाय के साथ ये केक वगैरह लिए थे सबने और मैंने ब्राउन ब्रेड लिया था और साथ में एग वाइट। तो इसके बाद थोड़े बच्चों के साथ गपशप वगैरह की रजब और हसन, आप लोगों को पता ही वो कितना तंग करते हैं। तो रजब और हसन की तो आज मैं वीडियो नहीं इसमें लेके आ रही क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथ इसकी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि अभी बस आज, क्योंकि मैंने आपको रेसिपी बतानी है पुलाव की, तो इसलिए बस इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला कल या एक दो दिन में रजब और हसन की वीडियोस लेके आऊँगी मैं। तो ये चाय भी बन चुकी है। अभी अगर आप लोग सब चीज़ें मैं कवर करूँगा ना तो फिर बहुत 2000 years later. तो ये शाम के टाइम था, शाम के टाइम कुछ गेस्ट आ गए थे और भाभी की सिस्टर आई थी, तो इसलिए ये हसन ज़्यादा ओवर हो रहा है। भाभी ने ये मैक्रोनी बनाई थी, तो इसलिए वैसे मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने जो है कि वो रेसिपी नहीं थी, मैं सेम उसी तरह से उन्होंने भी बनाई थी जिस तरह की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। तो इसलिए तो यहाँ पे ये है कि अभी मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। अभी मैं पुलाव जो है वो मैं ख़ुद बनाऊँगी और उसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, और मैंने बहुत अच्छी रिकॉर्ड की है वीडियो ताकि आपको कुछ भी मुश्किल ना हो। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूँगी। और यहाँ पर जी और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी किचन में, और सबसे पहले जो हमने पुलाव के लिए सबसे पहले तैयारी करनी वो ये है कि सबसे पहले हमने अपने चावल जो हैं वो भिगो के रख लेने हैं अच्छी तरह से, उनमें देख लेना है कि कोई कचरा वगैरह तो नहीं, कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, तो उसको निकाल के उसके बाद उसको वॉश करके रख देने भिगो के, ताकि एक से आधा घंटा आप चावल भिगो के रखें, आधा घंटा तो मस्ट है ना। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी सैलड भी कट करके रख ली थी। ये देखिए जी कितने अच्छे कलर लग रहे हैं ना, प्याज आजकल वाइट कलर का आ रहा है और इसके ऊपर ये ग्रीन रेड येलो कलर कितना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतें अता की हुई हैं, हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हम लोगों को, अल्लाह पाक ने इतना कुछ हमें दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन चिली जो हुआ है उसको मैंने ग्राइंड करना है, इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना, पेस्ट बना के रखा हुआ है मैंने, इसलिए अभी मैं वो ऐड कर दूँगी क्योंकि शॉर्ट टाइम था और गेस्ट आए हुए थे तो जल्दी से बनाना था, तो इसलिए मैंने साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करनी थी वीडियो की। तो यहाँ पे मैं आपको स्पाइस भी दिखा दूँ, जो जो स्पाइस मैंने इसमें डाले हैं, नमक है, ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी है, हल्दी है थोड़ी सी और थोड़ी सी रेड मिर्च है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चावल माशाल्लाह 1.5 से 2 किलो के करीब हैं, तो फिर भी मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून डाला है रेड चिली का। तो इसलिए मैं सिर्फ ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर के ही बनाती हूँ, जो पुलाव होता है ना उसमें यही डालती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने बर्तन रख दिए जिसमें मैंने चावल बनाने हैं,
तो उसका पानी ड्राई कर रही थी क्योंकि वॉश किया हुआ था, तो उसका निशान भी आपको नज़र आ रहा होगा पानी का ड्राई होने के बाद। फ्लेम ऑन था और यहाँ पे मैंने ऑयल डालना स्टार्ट कर दिया है, और जो उनसे प्याज कट करके रखे हुए थे हमने उनको अब इसमें ऐड करना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है प्याज को। हाँ जी, और बस चम्मच को आपने हिलाते जाना ताकि साइडों से प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और सेंटर में फिर वो वाइट रह जाता है। तो आप देख सकते हैं प्याज की लुक माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि इस तरह का गोल्डन ब्राउन सा होना चाहिए, ना ज़्यादा ब्लैक हो जाए, बस गोल्डन शेड, उसकी जो शेड है ना गोल्डन कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैंने नमक वगैरह ऐड कर दिया था, सब कुछ लौंग दालचीनी वगैरह भी साथ ही डाल दिए, क्योंकि जब वो ऑयल में फ्राई होते हैं ना स्पाइसी मतलब दालचीनी वगैरह साबुत मसाले जो होते हैं, अगर आप उनको इस तरह से डालेंगे ना ऑयल में तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है खाने की, तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और पानी भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, पानी जो मैं ये डालूंगी ना ग्रीन चिली टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस ये इतना काफ़ी है, पानी तो दूसरा ऐड नहीं करना। थोड़ा सा मैं ऑयल में फ्राई करती हूँ पहले चिकन को, उसके बाद फिर मैं बाद में डालती हूँ ये टमाटर हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चार चीज़ें आपने डाल देनी है, अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे वैसे टमाटो का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने टमाटो ऐड किए हैं, तो आप लोग चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये लाइक इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप लोग देख लें, जब अभी इस तरह के हैं जब मैंने फ्राई किए हैं ना तो इनकी लुक इस तरह से आ रही है, और जब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि जब मैं इनको अच्छी तरह भून लूँगी तो उसका क्या फ़र्क होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इनको रख दिया था, ढक्कन दे के रख दिया था ताकि स्टीम में वो गल जाए चिकन जो है मेरा अच्छे। तो इसके साथ ही आप लोग बताएं मुझे कि आपके यहाँ वेदर किस तरह का है। यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मॉग भी हो रही है और गले भी ख़राब, और इस तरह से सब लोगों को फीवर भी हो रहा है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद इसकी लुक इस तरह से आई है, और अभी भी चिकन जो है जिस तरह का मैं चाह रही हूँ वो उस तरह से भी रेडी नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको अभी फिर 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से जिस तरह का मैं चाह रही हूँ उस तरह से गल जाए। थोड़ा सॉफ्ट भी होना चाहिए, जूसी ये ना हो कि आप लोग इतना पका लें कि वो हार्ड हो जाए, और ये ना हो कि आप इतना कच्चा रहने दें कि वो बिल्कुल भी ना पके। तो यहाँ पे भी जिस तरह का मैं चाह रही थी ना चिकन उस तरह का हो चुका है। ये देखें इस तरह से इसकी जो निशानी है वो ये कि लेग की जो बॉर्न है ना इस तरह से मीट से अलग हो जाए, मतलब जो इसका गोश्त है ना वो हड्डी जो है ना वो गोश्त से अलग हो जाए आपको नज़र आए। पहले मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में लेग दिखाया था कि वो किस तरह से बॉन्ड के साथ अटैच था, इसलिए अब उसने थोड़ा सा उसको छोड़ दिया है, तो इस तरह से अब वो इसका मतलब है हमारा चिकन गल चुका है। और अब आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, मैं 2 मिनट इसको बनाई करूँगी इसकी अच्छे से ऑयल में, ताकि जो कमी पेशी है वो भी पूरी हो जाए। और अभी जो मैंने पीसे हुए मसाले इसमें ऐड नहीं किए बिल्कुल भी, अभी वीडियोस बनाने का कोई ख़ास आइडिया नहीं है मुझे, बस ऐसे स्टार्टिंग की है बस, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा अच्छा चल रहा है चैनल इंशाल्लाह ताला।
बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। ये हमें देखने में लगता है कि कोई मेहनत नहीं, लेकिन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा एफर्ट होती है इसके पीछे। और मुझे लगता था कि नहीं, ये बहुत आसान काम है, क्योंकि कुकिंग तो मैं करती रहती हूँ, तो चलो मैं साथ में वीडियोज़ भी बना लिया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, और फिर मैंने सोचा कि वीडियोस बनानी स्टार्ट कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर कभी ये बात करेंगे, मेरी रेसिपी बीच में रह रही है, इसलिए अभी मैंने पानी ऐड करने के बाद उसको, पानी को मैंने 4-5 मिनट पका लिया था। उसके बाद मैंने ये गरम मसाले और काली मिर्च वगैरह ऐड की है, क्योंकि मैं पहले ऐड नहीं करती, उसकी वजह से कलर जो है ना वो खाने का ब्लैक हो जाता है। मैंने आपको कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको पता है कि मैं लास्ट में काली मिर्च और गरम मसाला जो है पिसा हुआ मैं बाद में डालती हूँ, ताकि वो मसाला फ्रेश लुक लगे खाने की। तो अभी पानी पक चुका था, क्योंकि मैं चावल ऐड करने लगी थी इसमें, तो मैंने गरम मसाला और काली मिर्च, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो मैं कोई भी मेरे माइंड में बात आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लग जाती हूँ, तो मुझे अब रेसिपी की फिर होश नहीं रहती। तो रेसिपी के साथ मुझे लगता है कि मुझे बस रेसिपी की बात ही करनी चाहिए, कोई और बात नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, और अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। देख रहे हैं आप लोगों को, बार बार चम्मच के साथ मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से किस टाइम पे क्या करना है। क्योंकि मैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग देग वगैरह भी घर पे बनाते हैं, हलीम की हो, राइस की हो, बिरयानी की हो, कुछ भी हो, गुड़ वाले चावल हों, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो मैं बस थोड़ी थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि मेरी कुकिंग किस तरह की है, और उसके बाद फिर हम जो है वो ज़्यादा जो चीज़ें बना करेंगी तो उनके अभी मैं आपको बताया करूँगी। तो उससे ये होगा कि आप लोग कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप लोग भी कर सकते हैं, कुकिंग वगैरह का कुछ भी। तो ये देखे चावल डाल दिए थे, उसके 5 मिनट के बाद मैंने देखा कि इस तरह से बन चुके हैं। तो बस 2 मिनट के बाद मैं इनको दम पे रख दूँगी। अभी 2 मिनट और थोड़े हाई फ्लेम पे रहेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी है ना साइडों पे आपको नज़र आ रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि कुकिंग का अगर आप लोगों को पता चल जाएगा ना कि किस तरह से बनती हैं चीज़ें, तो आप लोग एक छोटे लेवल पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। तो जी यहाँ पर मैं अब इसको दम पर रखने लगी हूँ। 2 मिनट के बाद मैंने दम पे रख दिया था, और यहाँ पे जी ये देखे ढक्कन दे के रख दिया हुआ है, और 9 से 10 मिनट के बाद ये देखे माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। चावलों का कलर आप देख लें आपने अपने हिसाब से, अगर आप लोगों ने थोड़े वाइट कलर के रखने हैं ना, तो आपने प्याज को जो तड़का है ना वो थोड़ा इतना ब्राउन ना करें आप लोग। मैंने तो ज़रा ज़्यादा ब्राउन किया, क्योंकि मेरे बाबा को इस तरह के अच्छे लगते हैं, इस तरह से मैंने बना लिए। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर लें। तो यहीं पर हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अगर कोई कमी पेशी हो तो आप लोग मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह ताला उस तरह से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूँगी। और अगर मेरे से कोई रेसिपी में कुछ मिस्टेक हुई है तो आप लोग मुझे ज़रूर गाइड करिएगा, तो मैं उस तरह से ट्राई करूँगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी अच्छी बातों के साथ। और आप लोगों ने मेरी वालदा को हमेशा अपने दुआओं में शामिल रखने का, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर करे और हम सब के गुनाह बख्श दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही हम अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।